फ्लाइट में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पायलट्स के पास में सीट इजेक्शन सिस्टम का ऑप्शन होता है, जिसकी मदद से फाइटर पायलट्स की जान कई बार बची है। लेकिन आखिर इस सिस्टम को हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल क्यों नहीं किया जाता है? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेलीकॉप्टर के रोटर्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पीड पर घूमते हैं, लगभग 200 से 500 रोटेशंस पर मिनट। ऐसे में सीट इजेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ये रोटर्स घूम रहे हों। हालांकि रशियन मेड हेलीकॉप्टर KA-52 एलिगेटर ने इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर दिया है। बेसिकली इसमें रोटर्स के अंदर एक्सप्लोजिव्स लगे होते हैं, जिनसे रोटर्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर सीट को इजेक्ट किया जा सकता है। वैसे आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना बिल्कुल ना भूलें। एक फाइटर